उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में 75 में से 67 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी में जहां खुशी की लहर है, वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने चुनाव में गंभीर धांधली के आरोप लगाए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इन चुनावों में मिली प्रचंड जीत को बीजेपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बता रही है, लेकिन क्या ये चुनाव वास्तव में सेमीफाइनल कहे जा सकते हैं? यूपी के 75 जिलों में 22 जिलों के पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जिनमें 21 बीजेपी के और इटावा में एक जिला पंचायत अध्यक्ष का पद समाजवादी पार्टी ने जीता था। जिन 53 जिलों में चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने 46 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी को कुल 5 सीटें मिली हैं, जबकि रालोद और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल को एक एक सीट पर जीत हासिल हुई है। दिलचस्प बात यह है कि अभी 2 महीने पहले हुए जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में जिलों के कुल 3052 सदस्यों में से बीजेपी के महज 603 सदस्य ही जीते थे, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या 842 थी। सबसे ज्यादा सीटें निर्दलियों ने जीती थी और यही निर्दलीय सदस्य जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी के खेवनहार बन गए। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने भी उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने किनारा कर लिया और कांग्रेस ने जालौन और रायबरेली में अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करती है, जबकि अध्यक्षों का चुनाव जनता के मतों से निर्वाचित यही जिला पंचायत सदस्य करते हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहना कितना सही है? वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि पिछले 3 बार से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में रहते हुए जिस पार्टी ने पंचायत अध्यक्षों के ज्यादातर पद अपनी झोली में किए, अगले विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके मुताबिक साल 2010 में बसपा ने पंचायत अध्यक्षों के ज्यादातर पद जीते थे, लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2016 में समाजवादी पार्टी ने 63 जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उसकी बुरी हार हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव शुरू से ही विवादित रहे हैं और इस बार भी विवादित रहे। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को जिलों में नामांकन ही नहीं करने दिया गया, मतदाताओं का अपहरण कर लिया गया और जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी खुद इन सब में शामिल रहे। खरीद फरोख्त के आरोप तो इन चुनावों में पहले से ही लगते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों को एक एक वोट के बदले लाखों रुपए दिए गए। जिला पंचायत सदस्यों के गायब होने या फिर उन्हें बंधक बनाए जाने की खबरें मतदान के दिन तक आती रहीं। परोक्ष निर्वाचन के जरिए चुने जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन पहले भी विवादित रहा है और आमतौर पर यह कहा जाता है कि अध्यक्ष पद पर अक्सर उसी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं जिस पार्टी की राज्य में सरकार होती है। यहां तक कि सरकार बदलने के बाद जिलों के पंचायत अध्यक्ष भी कई बार बदल जाते हैं, यानी दोबारा जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी के समर्थक जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके लिए जिला पंचायत सदस्य अपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेते हैं। समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में थी तब उस पर भी इन चुनावों में धांधली के जमकर आरोप लगे थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा धांधली के आरोप समाजवादी पार्टी ही लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का दावा भले ही कर रही हो, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारने की शुरुआत उसने ही की है। यही वजह है कि इस बार अन्य दलों ने भी अपने अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी की, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों को ही हरा कर आए निर्दलीय उम्मीदवार उसी पार्टी के समर्थक बन जाएंगे, यह बात किसी के गले नहीं उतरती है। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उनके मुताबिक सरकार में रहने वाली पार्टी सदस्यों को जिस तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिशें करती है, उस स्थिति में किसी का समर्थक ना बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। पैसों के लालच से लेकर हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। एक जिले में 30-40 लोगों का वोट लेना होता है और जब सरकार चाह ही लेती है तो उसे हासिल कर भी लेती है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली पार्टी पर भी अगर ऐसे आक्षेप लग रहे हैं तो इससे मतदाताओं को निराशा जरूर होगी।